13 नंबर, कलुषित करें कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इसके त्रिभुज की भुजाएं हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं, इसका नाम दे दे, क्या नाम देते हैं, एक ही क्रम में बढ़ाएंगे, ए बी थोड़ा सा नीचे दे दो और यहाँ पे यह सी हो गया। हम लोग इनके भुजाओं को बढ़ाते हैं, देखिए ए बी को हम आगे बढ़ाए, एक ही क्रम में बढ़ाएंगे, फिर बी सी को इस तरह से, और फिर हम लोग इसी क्रम में सी ए को भी बढ़ाएंगे, ठीक है, सी ए को इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यह आगे इधर डी तक आया है, यह ई तक आया है, और यह जो है यहाँ ऊपर एफ तक गया है, ठीक है, ए यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक। तो यहाँ जो बहिष्कोण बन रहा है ना, इनका योगफल यानी इसका, इसका और इसका, इन तीनों का योगफल जो होगा 180 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी बी सी तथा सी ए को, सी ए को क्रमश 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 डी ई तथा एफ तक बढ़ाया, ठीक है ना, डी ई तथा एफ तक बढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब देखो, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो बहिष्कोण बन रहे हैं ना, बाह्य कोण, ये जो कौन कौन से हैं, तो एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो एंगल एफ, एंगल एफ ए, एफ ए बी प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी प्लस एंगल ई सी ए, ई सी ए, तीनों का मिला के योग जो होगा एक 360 डिग्री होगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, मैं यहाँ पे इसको साबित करता हूँ। मैं यहाँ एंगल एफ ए बी और प्लस में एंगल बी ए सी बराबर में 180 डिग्री लिख सकता हूँ रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, देख लो एफ ए बी और आपका बी ए सी, बी ए सी या इसका और इसका योग 180 होगा ना रैखिक युग्म से, तो इसको समीकरण एक, ठीक है। उसी तरह से एंगल डी बी सी और प्लस में एंगल ए बी सी, डी बी सी और ए बी सी, इन दोनों का मिला के 180 डिग्री रैखिक युग्म से 180 डिग्री होगा, यह भी आपका रैखिक युग्म से। तीसरा एंगल ई सी ए और प्लस में एंगल ए सी बी, ए सी बी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा, यह आपका तीसरा हो जाएगा रैखिक युग्म से, आपका देख लो ई सी ए और आपका ए सी बी मिला के 180 डिग्री हो जाएगा दोनों रैखिक युग्म से। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण एक दो तथा तीन को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एंगल एफ ए बी, लाइन से लिखते हैं, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी ए, ठीक है, प्लस में एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल ए सी बी बराबर में 180 प्लस 180 प्लस 180, तीनों को जोड़ लिए, तीनों समीकरण को जोड़ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं यहाँ एंगल एफ ए बी प्लस एंगल डी बी सी और प्लस एंगल ई सी ए को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ इन तीनों को देखो, बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी, तीनों का मिला के 180 होगा ना, 180 हो जाएगा, और बराबर में इनको जोड़ोगे तो 540। तो यहाँ पे 180 कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल एफ ए बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी ए, तीनों मिला के
कितना, ये जाकर उधर घटेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, यह आपका प्रमाणित हो गया। यानी कि त्रिभुज में अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो बाहर जो बहिष्ठ कोण बनेंगे उनका योगफल 360 डिग्री होता है, हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए। अगला क्वेश्चन।